हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लोटिंग कैंडल होल्डर बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक फ्लावर का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और OHP शीट लेंगे। OHP शीट को इस फ्लावर डिज़ाइन के ऊपर रख के हमें 3D आउटलाइनर से इसका आउटलाइन ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे पर्ल मेटालिक गोल आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ग्लिटर आउटलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ऐसे 3 फ्लावर्स की आउटलाइन ड्रॉ करके रखनी है। तीनों फ्लावर्स की आउटलाइन ड्राई हो चुकी है। अब हम इनमें ग्लास कलर्स करेंगे। आप चाहें तो ग्लास कलर से शेड्स भी दे सकते हैं, या कोई एक ही सॉलिड कलर करना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे वाइट और पिंक का शेड ले रही हूँ। एक फ्लावर हमें कंप्लीट कलर करना है, दूसरे फ्लावर में हमको एक पेटल छोड़ना है और तीसरे फ्लावर में हमें 2 पेटल्स छोड़ने हैं। अब इन फ्लावर्स को हमें कट कर लेना है। हर फ्लावर का जो सेंटर पीस है वो भी हमें कट करके अलग से निकाल देना है। मैं यहाँ पे ग्लू ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल A+ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावर हमने पूरा कलर किया था उसका हमने एक पेटल हाफ कट कर लेंगे, ओके, और उसको ओवरलैप करके हम आपस में स्टिक कर देंगे।
सेकंड फ्लावर जिसके अंदर हमने दो पेटल्स को कलर नहीं किया था, उसमें दो पेटल्स को हम पूरी तरह से यहाँ से कट करके थर्ड पेटल को हाफ कट कर लेंगे और उसको भी पहले जैसे ही ओवरलैप करके स्टिक कर देंगे। जिस फ्लावर में हमने एक पेटल कलर नहीं किया था, उस पूरी एक पेटल को कट करके और उसके पास वाली पेटल को हाफ कट करके आपस में ओवरलैप करके स्टिक कर देंगे। इसी तरह हमारी तीनों पेटल्स कट हो जाएंगी। अब जो सेंटर पीस हमने कलर किया था एक फ्लावर के अंदर, उस सेंटर पीस के ऊपर हम ये तीनों फ्लावर्स को स्टिक करेंगे। मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक फेविकॉल ए प्लस या फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेंटर पीस को कलर करके एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अलग से भी एक सर्कल कट करके और एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फ्लोटिंग कैंडल होल्डर रेडी है। अब हम इसके बीच में टी लाइट होल्डर रख के और इसे पानी भरे हुए बोल में रख के हम इसको फ्लोट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।